हेलो गाइस, तो आज मैं आई हूँ पैसिफिक मॉल और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग डिफरेंट काइंड ऑफ थीम है। जैसे ये एक मेरे पीछे जो थीम है मैं आपको दिखाती हूँ अभी। इसमें ये छोटा बेबी पेंगुइन है, ये मुझे बड़ा क्यूट सा लगा, बहुत क्यूट था ये। यहाँ पे काफी सारे अलग अलग पेंगुइन भी थे। अभी आगे एक इग्लू था तो मैंने सोचा मैं इसके अंदर जाके एक बार देखती हूँ और मुझे काफी अच्छा लगा ये इग्लू। ये इग्लू के अंदर का व्यू था, वहाँ पे एक पिक्चर चल रही थी और ऐसे ही लोग बस बैठे हुए थे, थोड़ा एंजॉय कर रहे थे वहाँ पे। वही इग्लू के साइड में थोड़ी ऐसी छोटी छोटी सी उन्होंने चेयर्स और टेबल बिछा रखी थी जहाँ पे आप फोटो सेशन कर सकते थे। ये था उसी के जस्ट साइड में ये सॉफ्ट टॉयज लगे हुए थे जहाँ पे बहुत सारे क्यूट क्यूट सॉफ्ट टॉयज थे, कोआला और ये डोनाल्ड डक। वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के सॉफ्ट टॉयज थे और जो इनका फैब्रिक था वो बहुत सॉफ्ट था, बहुत बहुत ज़्यादा सॉफ्ट। और वहीं पे साइड में एक ये वाला टेडी बियर भी बना रखा था। ये जो पोलर बियर थीम थी ये इन्होंने अपने ग्राउंड फ्लोर पे लगा रखी थी और ग्राउंड फ्लोर पे ही ये सारी थीम्स लगी हुई थी। अब हम फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाले हैं। यहीं पे मिया, तनिष्क, डोमिका, काफ़ी सारे इधर बहुत सारे आउटलेट्स थे अलग अलग। ये यूनाइटेड कलेक्शन का एक आउटलेट था यहाँ पे, तो ये सारे जो आउटलेट्स थे ये ग्राउंड फ्लोर पे ही थे इनके। जब फर्स्ट फ्लोर पे आई तो मैंने फर्स्ट फ्लोर से इसको पोलर बेयर की जो थीम थी उसको मैंने कैप्चर किया और मुझे ये फर्स्ट फ्लोर से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वहीं पे साइड में एक और भी थीम थी पोलर बेयर की और यहाँ पे मीना बाज़ार था फर्स्ट फ्लोर पे और ये ऑक्टेव का एक शोरूम था यहीं पे। काफ़ी सारे शोरूम थे यहाँ पे और एक ये शुगर स्पाइस का जो काउंटर था ये भी फर्स्ट फ्लोर पे ही था, तो अगर आपको कॉफ़ी वगैरह पीनी हो तो ये उसके लिए बेस्ट था। फिर जब मैं सेकेंड फ्लोर पे गई तो मुझे एक क्रोक्स का शोरूम मिला वहाँ पे और इसी के ही साइड में जस्ट एक पूमा का भी शोरूम था जहाँ पे आपको आपके आउटफिट्स मिल सकते हैं रनिंग वगैरह के लिए या आपको शूज़ लेने हो सारे आउटफिट्स से। वहीं पे ही फर्स्ट फ्लोर पे एक किड्स सेक्शन भी बना रखा था, लाइक अगर आपके साथ किड्स हैं और आपको मॉल में इंजॉय करना है या घूमना है तो आप अपने किड्स को वहाँ पर छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे ये स्केचर का भी था और यहीं पे एक छोटा सा एक इन्होंने शॉप बना रखी थी। यहाँ पे टॉयज़ थे काफ़ी सारे, छोटे छोटे बॉयज़ टॉयज़ भी थे, गर्ल्स के लिए भी टॉयज़ थे, तो मुझे बहुत क्यूट क्यूट से लगे थे। ड्रैगन बॉल का भी एक टॉय था, यहाँ पे बहुत सारे टॉयज़ थे, बहुत क्यूट क्यूट से लग रहे थे। मैंने कोशिश करा इसको पूरे को कवर करने का। फिर अब मैं नीचे जाने लगी क्योंकि इसका सेकेंड फ्लोर ही लास्ट फ्लोर था। अभी नीचे जाते हुए मैंने फिर एक इधर साइड में शॉप थी तो मैंने इसकी ज्वेलरी की शॉप थी है, तो मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी एंटीक ज्वेलरीज थी, ब्रेसलेट्स थे, इयररिंग्स थे, तो मुझे ये काफ़ी अच्छी लगी कि स्टोर्स के अंदर एक छोटी शॉप भी थी। जो इसका बेसमेंट है उसके अंदर ही फूड कोर्ट है। जैसे आप मॉल के अंदर एंटर करते हो तो जो उसका बेसमेंट से जो एंट्री है वहाँ पे सारा फूड कोर्ट है। वहाँ पे हल्दीराम के भी हैं और ये बर्गर किंग का भी एक आउटलेट था वहाँ पे। तो यहाँ पे सारे बहुत सारे आउटलेट्स थे फूड के, आपको जो अच्छा लगे आप उसको जो भी आपको पसंद हो, अगर बर्गर किंग आपका बर्गर आपको खाना पसंद हो तो आप वो चूज़ करो। और भीड़ आप देख ही सकते हो कितनी भीड़ थी यहाँ पे। डोमिनोज़ का भी एक आउटलेट था यहाँ पे और उसके साथ में एक टाको बेल का भी आउटलेट था और ये सारे एक ही लाइन में है। ये हल्दीराम का एक आउटलेट था, तो काफ़ी सारे आउटलेट आपको एक ही जगह पे मिल जाएंगे।